हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंजंक्शन। जैसा कि पार्ट वन एंड पार्ट टू को क्लियर कर चुके थे, आज हमारा है पार्ट थ्री जो बात करता है इंजंक्शन के बारे में। इंजंक्शन मीन्स होती है व्यादेश। व्यादेश आखिर होता क्या है? ये होता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो लैंड है, ये लैंड है किसका? ए एंड बी का, एंड टू पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? टू पार्ट में, ए एंड बी का। लेकिन यहाँ पर ए के द्वारा क्या किया जाता है कि बी के लैंड को भी कब्जा कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? कब्जा कर लिया जाता है एंड उस पर बाउंड्री बना दिया जाता है ए के द्वारा। अब बी का क्या राइट्स होगा? ये जो बी है उसका क्या राइट्स होगा? ये जाएगा कोर्ट, ये जाएगा कोर्ट। कोर्ट में जाकर सूट इंस्टीट्यूट करेगा किसके लिए? ए के लिए, कि भाई ये जो लैंड के ऊपर जो बाउंड्री बना दी गई है, इसके ऊपर जो पोजीशन कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, उसको हटाया जाए। तो यहां पर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है इंजंक्शन को जारी करेगा। इंजंक्शन क्या कहता है? इंजंक्शन यही करता है, कहता है कि टू स्टॉप, मीन्स कि ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है कि किसी भी पार्टी को कोई भी कार्य करने से रोका जाए या फिर कुछ करने का आदेश दिया जाए। मीन्स कि टू स्टॉप एंड टू डू समथिंग, कुछ रोका जाए कार्य करने से या फिर कुछ कार्य करने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? ए को कहा जाएगा कि भाई आप जो ये बाउंड्री बना रहे हो उसको क्या करो? आप रोक दो। क्या करो? रोक दो, या फिर इस बाउंड्री को तोड़ दो। मीन्स कि यहाँ पर आदेश देगा भाई कि आपने जो ये जो इलीगल बाउंड्री बनाई है उसको तोड़ देने का भी आदेश जो है दे सकता है। मीन्स कि कोई भी कार्य को करने के लिए रोकने का या फिर कोई भी कार्य को करने के लिए आदेश भी दे सकता है कोर्ट। यही होता है इंजंक्शन। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब ये चीज जो है सेक्शन 36 में डिफाइन किया गया है, ये एक क्या होता है? प्रिवेंटिव रिलीफ होता है। प्रिवेंटिव रिलीफ होता है। प्रिवेंटिव रिलीफ का मीनिंग होता है स्टॉप। प्रिवेंटिव रिलीफ का क्या मीनिंग होता है? स्टॉप। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंजंक्शन। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंजंक्शन क्या क्या होंगे? ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा, मीन्स न्यायिक प्रक्रिया होगी। प्रोहिबिशन, मीन्स कि कोई भी कार्य को करने के लिए रोक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और कौन सा कार्य हुआ? रॉन्गफुल एक्ट, मीन्स की टॉट। क्या होगी? रॉन्गफुल एक्ट मीन्स टॉट। एंड कुछ करने से रोकना, मीन्स टू स्टॉप। एंड कुछ करने का आदेश देना, मीन्स की टू डू समथिंग। एंड राइट्स वायलेशन, क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मीन्स की ए के राइट्स का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है किसका है? इंडिविजुअल का है। या यहाँ पर क्या चीज किया जा रहा है? किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। एंड क्या कर रहा है? इन्फोर्समेंट करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कोर्ट के द्वारा इंजंक्शन के माध्यम से ये चीज कार्य को कराया जा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं कि इंजंक्शन जो है कितने प्रकार का होता है। टू टाइप्स ऑफ इंजंक्शन। सबसे फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में हो जाता है टेम्प्रोरी, एंड सेकंड हो जाता है परपेक्चुअल। टेम्प्रोरी मीन्स होती है अस्थाई, एंड परपेक्चुअल मीन्स होता है अस्थाई। अस्थाई किसे कहते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये जो लैंड को जो बाउंड्री बना रहा था ए, तो यहाँ पर दो तीन महीने, यहाँ पर टाइम लिमिट जो है डिसाइड कर दिया जाता है कि दो तीन महीने तक यहाँ पर आप काम जो है नहीं करेंगे, तो ये आपका अस्थाई हो जाता है। ये जो है सेक्शन 37 इशारे में डिफाइन किया गया है, एंड सीपीसी के ऑर्डर नंबर 39 एंड सेक्शन 94C में भी इसके बारे में डिफाइन किया गया है। एंड परपेक्चुअल क्या होता है? शाश्वत। मीन्स कि ये इसको सेक्शन नंबर 37 एंड सेक्शन नंबर 38 में डिफाइन किया गया है। इसे कहा जाता है अस्थाई। अस्थाई मीन्स होती है कि जैसे परपेक्चुअल, मीन्स कि कोई भी चीज़ों को करने के लिए अस्थाई रूप से, शाश्वत रूप से मना कर देना या फिर करने के लिए कह देना।
तो ये हो जाता है आपका परपेक्चुअल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्रोहिबिटरी एंड सेकेंड होती है मैंडेटरी। प्रोहिबिटरी मीन्स हो जाती है निदेशात्मक, यहाँ पर अवैध कार्य को करने के लिए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, करने से रोकने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो ये हो जाता है आपका प्रोहिबिटरी। एंड मैंडेटरी मीन्स आदेशात्मक, मीन्स की कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि दोषपूर्ण कार्य करने, कार्य जो कर रहे हो उसको समाप्त करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। आज्ञापक, यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि मींस कि आपको जो है आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये हो जाता है आपका मैंडेटरी। यहाँ पर हम लोग ने द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो टॉपिक है इंजंक्शन को कवर कर लिया। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें 36 से लेके 42 तक डिफाइन किया गया है, लेकिन आपने 36 बताया, 37 बताया, 38 बताया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे कि 39 में बताया गया है कि मैंडेटरी जो इंजंक्शन है उसको हम लोग परपेक्चुअल इंजंक्शन के साथ कैसे जारी कर सकते हैं, कब जारी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 40 इसीलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो इंजंक्शन है, अगर आप वो इंजंक्शन आप नहीं देते हो, रोक नहीं लगाते हो या फिर करने का आदेश नहीं देते हो, तो यहाँ पर कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर सकती है, कंपनसेशन देने का भी काम कर सकती है। और किसके राइट्स होते हैं कंपनसेशन जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वादी मीन्स की जो प्लेंटिफ है, जब तक कंपनसेशन की मांग नहीं करता है तो यहाँ पर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट क्या नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। एंड कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है एंड जब तक यहाँ पर प्लेंटिव के द्वारा कोर्ट को नहीं कहा जाएगा तब तक वो जो है कोई भी सूट को इंस्टीट्यूट भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्लियर है सेक्शन 40 एंड सेक्शन 41 में 2018 से पहले 10 यहाँ पर बताया गया था कि इंजंक्शन जो है कब जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2018 में अमेंडमेंट करके एक और उसमें पॉइंट जो है ऐड कर दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए आवश्यक ना हो तो आप जो है इंजंक्शन को लागू नहीं करेंगे। इसमें कुछ कुछ पॉइंट बता देती हूँ क्योंकि 11 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे काल्पनिक न्यूशेंस जो है क्रिएट कर रहे हैं और आप जाके इंजंक्शन जो है कोर्ट से मांगते हो तो यहाँ पे भी कोर्ट जो है इंजंक्शन देने से मना कर देगा। एंड कोई भी व्यक्ति का, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स बताई थी तो यहाँ पर इंडिविजुअल के राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो आप जो है इंडिविजुअल की अदर तरीके से आप जो है कोर्ट से इंजंक्शन मांगते हैं तो यहाँ पर भी कोर्ट जो है आपको इंजंक्शन जो है प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सब पॉइंट हो जाते हैं आपको सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 में बताई गई है कि इंजंक्शन जो है कब जो है कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। तो एक एक पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। सेक्शन 40 को आप जरूर याद रखेंगे कि सेक्शन 40 के अंतर्गत कंपनसेशन जो है कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एंड एक क्वेश्चन है लास्ट में कि इंजंक्शन जो है सेक्शन कितने से कितने तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया है, इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।